छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान आज 23 दिसंबर को आएंगे नतीजे। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल शाम 4 बजे होंगे रवाना। आज से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार, 25 दिसंबर तक चलेगा सत्र। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक, पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, सदन में कांग्रेस उठाएगी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी मामला। कवर्धा में गन्ने की खेत में भीषण आग लग गई है, वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कोशिश पर पानी फिर गया, इस दौरान करीब 200 एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। कटनी के हरचंदानी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, बताया जा रहा है कि पाइल्स के ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद मरीज को दर्द हुआ, दर्द के दौरान ही मरीज की मौत। गोरेला पेंड्रा मारवाही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया गया, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। किसान नेता राकेश टिकैत का रायपुर दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सभी का धन्यवाद करने छत्तीसगढ़ आया। भिलाई में बीजेपी नेताओं ने किया खुर्सीपारा थाने का घेराव, मारपीट से लेकर दूसरे मामलों में फंसाने का लगाया आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती पकड़ने का लगाया आरोप। इंदौर में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे सितारे ने अपना जलवा दिखाया, इस दौरान सारा अली खान ने अपकमिंग सॉन्ग पर होटल स्टाफ के साथ थिरकती नजर आई, वहीं फैन से बात करते हुए सारा ने कहा कि आपके इंदौर में बहुत ठंड है। खंडवा जिला जेल में बंद कैदियों के जीवन सुधार और कैदियों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जेल प्रशासन ने बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियों को कार्यक्रम का आयोजन किया, सारे कैदी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 2 लाख के नकली नोटों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया, जानकारी के मुताबिक ही आरोपी बेरोजगारी, कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते नकली नोट छापने का काम करते थे। सीधी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की याद में किया गया शुभारंभ। ग्वालियर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर नगर निगम की टीम लगातार कोशिश कर रही है, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों के साथ शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। अनूपपुर में कलेक्टर ने जनपद सीओ पर की कार्रवाई, तय समय सीमा में काम न करने की वजह से 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। रायपुर में 4 लाख से ज्यादा की चोरी का पुलिस ने 48 घंटों के अंदर किया खुलासा, अवंती विहार के व्यापारियों ने पुलिस की टीम को किया सम्मानित। बलौदा बाजार में अधिवक्ता संघ ने सेमिनार का किया आयोजन, बिलासपुर हाई कोर्ट के जजों ने वकीलों को किया सम्मानित। उज्जैन में कार्तिक मेले में मुशायरे के आयोजन को एक दिन पहले किया गया निरस्त, लोगों ने निगम कमिश्नर को ज्ञापन देकर विरोध किया। रायसेन में अवैध रेत खनन को लेकर खनिज विभाग की कार्रवाई, एक पोकलेन मशीन को किया गया जब्त। राजगढ़ में गाड़ गंगा नदी में तैरता हुआ मिला युवक का शव, शव को खिलचीपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुकमा में कोंटा पुलिस का मार्च पास्ट, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। रायसेन में पुलिस की टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सतना में जमीन खाली कराने आए किराए के गुंडों को पुलिस ने पकड़ा, स्टेशन से आई कई महिला और पुरुष को हिरासत में लिया। आज से केंद्र सरकार देश भर में मनाएगी सुशासन सप्ताह, 25 दिसंबर तक चलेगा आयोजन। सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स किया जाएगा लॉन्च, शिकायतों के निपटारे के लिए बने पोर्टल के मार्फत 10 लाख शिकायतों का निपटारा करने की तैयारी। वन ग्रीवांस पोर्टल, वन इंडिया पोर्टल, केंद्र राज्य की और जिले तक की शिकायतों से संबंधित मिलेगी अपडेट।
नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म मशीन तकनीक के सहारे काम आसान करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे उद्घाटन, पीएम मोदी ने सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए दी शुभकामनाएं। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस, संक्रमितों की कुल संख्या 153 हुई। ओमिक्रॉन के देश में 10 नए केस, महाराष्ट्र में 6 और गुजरात में 4 मामले सामने आए। अक्षय कुमार सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे का पोस्टर टाइम्स स्क्वायर पर छाया, फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सान्या मल्होत्रा का क्रेजी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया, रेड आउटफिट में सान्या मल्होत्रा क्रिसमस के गाने पर झूमती नजर आई। गुरु रंधावा नौरा फतेही का न्यू सॉन्ग डांस मेरी रानी गाने का टीजर हुआ रिलीज, गाना 21 दिसंबर को होगा रिलीज। उर्वशी रावतेला ब्लैक स्पार्कल ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत, सोशल मीडिया पर छाया उर्वशी का न्यू लुक। सारा अली खान ब्लैक गोल्डन आउटफिट में कराया शूट, फोटोशूट के दौरान बेहद खूबसूरत लगी सारा। रेलवे में लंबी दूरी वाले एक्सप्रेसवे में महिलाओं के लिए बर्थ रिजर्व की सुविधा शुरू की, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। रेलवे ने अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की सुविधा 1 जनवरी से शुरू होगी, कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों के लिए अनरिजर्व टिकट पर रोक लगाई थी। बजट 2022 को लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट इक्विटी निवेशक के बीच बैठक, बैठक के दौरान वेंचर कैपिटलिस्ट ने देश में निवेश का माहौल पॉजिटिव बनाया। बाजार में खाने के तेलों के दाम में आई गिरावट, 1 लीटर सरसों का तेल 200 से 188 रुपए हुआ।